हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनर स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने केला के साथ बालों के लिए ड्राई डैमेज्ड फ्रीजी हेयर को मैनेजेबल हेयर बनाने के लिए एक होम रेमेडी बताऊंगी। इस होम रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए केला। मैंने केला को पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को एक बाउल में लेना चाहिए। इसमें कच्चा दूध ऐड कीजिए। इसमें एक चम्मच शहद ऐड कीजिए। एक चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कीजिए। ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिलाया केला। हम सबको पता है केला में पोटेशियम ज़्यादा रहती है। पोटेशियम हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मदद करती है। हमारी डेली डाइट में हमें केला को ऐड करना है, क्योंकि केला हेल्थ के लिए भी बहुत ही मदद करती है। इसमें मैंने मिलाया कच्चा दूध। कच्चा दूध नेचुरली बालों की नरिश करने के लिए, कंडीशनिंग करने के लिए बहुत ही मदद करती है। बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने में ये बहुत ही यूज़फुल है। दूध में प्रोटीन रहती है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसमें मैंने मिलाया शहद। शहद में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है। ये दोनों आपकी स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है। वैसे भी आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। फाइनली इसमें मैंने मिलाया कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए मदद करती है। इसकी वजह से हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। ऐसा ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इस मिक्सचर को स्कैल्प पर, पूरी बालों पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद एक घंटे तक ऐसे रहने दीजिए। एक घंटे होने के बाद किसी भी हेयरबल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। शैम्पू अप्लाई करने के बाद कंडीशनर भी आप ज़रूर यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करने से आपकी बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैंने केला के साथ एक अच्छी से हेयर मास्क बनाया। इस हेयर मास्क के साथ आप इजीली ड्राई डैमेज्ड हेयर को रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी आपकी बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।